फ्लाइट बिकम अ रेल। आगे मैं निकल गया, देखिए 270 का मेरा बिल हुआ है। ले लिया, ये हमेशा ऐसे ही हड़बड़ाते ही। 10% का चाय बहुत ही हमड़ा का सामान। तो हेलो फूडी, स्वागत है आप सभी का मेरे फ्रेश न्यू वीडियो में। वैसे आप लोगों को पता ही होगा वीडियो टाइटल एंड थंबनेल में देखिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर हाँ मैं हूँ कलकत्ता का वन ऑफ द आइकॉनिक टैक्सी येलो टैक्सी में। जी सामने आप देख रहे हैं, ये है कलकत्ता का वन ऑफ द आइकॉनिक क्लॉक टावर। गाइस फाइनली एयरपोर्ट आ गए हूँ, ये देखिए मेरे पीछे एयरपोर्ट, और यहाँ लगा है बहुत लंबा सा लाइन। अच्छी बात है आपका कस्टम इमिग्रेशन कराने के बाद ड्यूटी फ्री में मिलता हूँ। कि आज कितना लंबा लाइन लगा हुआ है ये स्पाइस जेट में, ये देखिए यहाँ पर हो रहा है आपका बोर्डिंग। तो चलिए अब बोर्डिंग इमिग्रेशन करा के आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फर्स्ट क्लास में इमिग्रेशन और कस्टम करा के आ गया हूँ, बैठ गया हूँ, और बाहर हो रहा है बारिश, मेरा फ्लाइट डिले ना हो। वैसे स्पाइस जेट देखिए मेरे पीछे लगा हुआ है, बट बारिश हो रहा है तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो चलिए आगे जैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस देखिए, ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये मैंने ले लिया है आईफोन 13 प्रो। ये देखिए इसका मेरे को कॉस्ट पड़ा है 70, अभी इसका चार्ज नहीं है। ये देखिए चार्ज नहीं बना, मैं आपको दिखाता। अब आप सोचते होंगे कि मैं यूज़ करूँगा कुछ दिन, उसके बाद इसे भी सेल कर दूँगा। और देखिए ये है मेरा फ्लाइट लगा हुआ है, ये देखिए स्पाइस जेट SG 718 ढाका 12 नंबर, और ये है 12 नंबर गेट। भर का मौसम बहुत ही फॉगी हो चुका है, आई होप सो डिले ना हो। ये देखिए सामने एयर इंडिया लगा हुआ है, और मेरा स्पाइस जेट भी आगे लगा हुआ है। देखिए स्पाइस जेट के एयर होस्टेस एंड पायलट जा रहे हैं अंदर। आज बहुत ज़्यादा ही एयरपोर्ट में लाइटिंग इशू है, क्योंकि देखिए बिजली के कारण यहाँ पर अभी सब लाइट्स ऑफ है। ये देखिए वेटिंग जोन में सब वेट कर रहे हैं। लाइटिंग इशू इज लाइटिंग इशू में। तो गाइस देखिए पहले मैं ये XR यूज़ करता था, ये देखिए। तो गाइस ये मैंने ख़रीदा था आपका 24,000 में, ये देखिए। तो अब ये बहुत दिन हो गया है इसे यूज़ किए हुए, अब कुछ दिन आईफोन 13 चलाऊँगा के बाद। वैसे इसका कैमरा बहुत ही सॉलिड है गाइस, ये देखिए कैमरा इसका बहुत ही ऑसम है गाइस। सो गाइस मैं दुआ यही कर रहा हूँ कि ये बारिश रुक जाए, क्योंकि आज है 31st न्यू ईयर ईव। अगर ये बारिश जोर से हुआ तो आपका फेरी रुक जाएगा, जिसके कारण मैं भी कल डिले हो सकता है, क्योंकि आज रात ही को न्यू ईयर ईव है। वैसे बता दूं आज है 31 तारीख और कल है नया साल। पुरानी बातों को भूल जाइए, नए दिन का आगाज अच्छे से कीजिए। जो गलती किए हैं ये साल, अगले साल उस गलती को सुधारिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। देखिए ये है मेरा बोर्डिंग हैप्पी स्नैकिंग। वैसे इस बार मेरे को देखिए फोर ई इसलिए मिला है क्योंकि इस बार स्पाइस मैक्स है मेरा सीट, ये देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विमान में विराजमान होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सीधा अंदर चल के मिलता हूँ। देखिए ये है फोर्ट नेहरू ब्रिज, ये हो गया है बोर्डिंग कम्प्लीट। अब हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट के और ये देखिए सामने लगा है स्पाइस जेट, और बाहर हल्का हल्का बारिश हो रहा है गाइस। ये देखिए इधर भी देखिए कितना खूंखार होके रखा है वेदर। तो देखिए गाइस ये जा रहे हैं कप्तान, हमारे फ्लाइट के कप्तान, और ये फ्यूल रिफिलिंग हो गया है। ये देखिए फ्यूल रिफिलिंग हो गया है, ये देखिए रेड वाला फ्यूल रिफिलिंग होता है। ये देखिए और इगैनो कितना भीड़ है फ्लाइट में, कभी कभी लगता है फ्लाइट बिकम अ रेल। साइड ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ है गाइस, ये देखिए। तो चलिए मैं सीट में बैठ के आपसे मिलता हूँ। सो गाइस अभी हम मैं बैठ गया हूँ और अपनी कुर्सी की कुर्सी ना बांधे। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं जब फ्लाइट उड़ता है तो आपसे मिलता हूँ। ये देखिए पूरा सामने देखिए आपको US बंगला आता हुआ दिखेगा। देखिए US बंगला अकेला लग रहा है,
इस बैठते संग ये देखिए मिल गया एक पानी का बॉटल, 10 मिनट नहीं हुआ ये एक पानी का बॉटल मिल गया। पता नहीं स्पाइस मैक्स के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज है या नहीं, बट ये है हम जल्दी निकल सकते हैं, हमारा लगेज जल्दी आ जाता है स्पाइस मैक्स में, बस यही है। तो ये कुछ ऐसा नन्ना मुन्ना सा पानी का एक बोतल मिला है मुझे। सो गाइस डिपार्चर के लिए डोर क्लोज हो गया है, अब कुछ ही क्षण में हम लोग उड़ जाएंगे। चलिए ऐसे फ्लाइट टेक ऑफ होता है मैं आपको दिखाता हूँ, और मुझे बहुत नींद भी आ रहा है। टेक ऑफ होता है थोड़ा शॉर्ट लेके चुकता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ये रनवे पे आ गया हमारा फ्लाइट, सामने बहुत सारा फ्लाइट लगा हुआ है देखिए देखने के लिए, क्योंकि एयर कंट्रोलर ने इजाज़त नहीं दिया तो किसी टाइम में भी हमारा टेक ऑफ हो सकता है। तो गाइस फाइनली टाइम टू टेक ऑफ। डिक्लेरेशन का लाइन देखिए गाइस, ढाका का कितना लंबा लाइन है गाइस। अभी बता दूं आधे घंटे से मैं खड़ा हूं, बट अभी मेरे को और लग रहा है एक घंटा होगा, ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा हो गया है अभी भी लाइन पे हूं, और अभी भी लाइन बहुत लंबा, पता नहीं अब कब होगा। तो गाइस कस्टम में ये लाइन देखिए कितना सारा क्राउड है कस्टम में। तो गाइस इस बोरिंग टाइम में चिप्स और ये फिंगर खाने का अपना ही मजा है, कि ये अगर नहीं खाएंगे तो पूरा दिन और ब्योरिंग। और आप लोग पता है कि बांग्लादेश ढाका ट्रैफिक कितना अनोइंग रहता है। फाइनली न्यू मार्केट आ गया हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है, पहले कुछ पेट की बुझाया जाए फिर आपसे बात करूंगा। तो पहले कुछ खा लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। पूरा खाली और ये देखिए ये है इनका खाली, लुक एट द क्राउड मैन। ये है मेरा मटन फिशी बिरयानी, तो चलिए फटाफट मैं से खा लूँ कि बहुत जोर से भूख लग रहा है, क्राउड भी बहुत है। तो चलिए फटाफट खा के आपसे बाहर में मिलता हूँ। हमारी इनका कच्ची बिरयानी खाऊँ उतना कम है गाइस, बहुत ही टेस्टी है हमेशा की तरह, आज भी उतना ही यम्मी है। तो चलिए फटाफट फिनिश करके मिलता हूँ आपसे। तो गाइस यहाँ की अच्छाई बहुत है, अगर आपको राइस घट जाएगा तो आपको वापस राइस, अगर आप बोले तो वापस वो राइस ला के देंगे। तो मेरा बिरयानी देखिए थोड़ा घट गया, तो मैं बोला थोड़ा राइस ला के दो, तो राइस लेके आ रहा है। ये देखिए वापस से राइस मेरा गया, फुलफिल हो गया। चलिए फटाफट इसे फिनिश करके आपसे मिलता हूँ। क्लास खा के मैं निकल गया, देखिए 270 का मेरा बिल हुआ है। अब मैं लेता हूँ चाय, आ गया चाय दुकान मामा, 10 चाय शायद ना। तो गाइस देखिए ये मैंने अपना चाय ले लिया, ये हमेशा ऐसे ही हड़बड़ाता ही है। तो देखिए यहाँ पर कितना सारा क्राउड है, ये देखिए इतने क्राउड में हम लोग जा रहे हैं अब हाथी पुल। तो आपको यहाँ का रास्ता दिखाऊंगा कितना क्राउड रास्ता और कितना रिक्शा वालों का यहाँ टूटी बोलता है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको यहाँ का रास्ता, देखिए देखिए एक रोड हम लोग वो सीधा गली में जाने के लिए इतना घूम के जाना पड़ रहा है, इतना क्राउडेड प्लेस है ये। इनका रिक्शा दिखता होगा, ये देखिए 100 रिक्शा है लाइन से। ये कोई रास्ता का कोई ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, एक रास्ता में देखिए बस भी चल रहा है, ये गाड़ी भी चल रहा है, रिक्शा भी चल रहा है, बाइक भी चल रहा है, आदमी वैसे पार भी हो रहे हैं। तो गाइस बांग्लादेशी में अमीरी बहुत है, जीडीपी रेट बहुत ऊंचा है, बट अमीर बहुत अमीर और गरीब और गरीब हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर का जीडीपी 8.5 से प्लस है। बट ये सही नहीं है कि अगर अमीर है तो बहुत अमीर हो रहा है, गरीब तो यहाँ बहुत गरीब है, ऐसा ऐसा इंसान का दुर्दशा है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो गाइस स्वागत है आप सभी का न्यू मार्केट में, ये है बांग्लादेश का असली न्यू मार्केट। यहाँ तक आपको जहाँ जहाँ आपका नजर जाएगा वहाँ आपको बेबी और लेडीज गारमेंट ही दिखेगा, जेंट्स का है बट बहुत ही कम है, रेयर। ये देखिए इतना क्राउड है गाइस कि मैं क्या ही बोलूं, पीछे लोग मेरे को देख भी रहे हैं। ले रहा हूँ मैं ये चना, Yeah.
गाइस फाइनली ये मैंने ले लिया, इसका दाम मेरे को पड़ा है 2 टका। गाइस देखिए कुछ ऐसा है ये मार्केट, न्यू मार्केट, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, चम्मच से लेके कप तक, कपड़ा से लेके जीन्स तक, खाने पीने हर एक सामान मिल जाएगा, किताब हर चीज़ मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ये देखिए दस्तरखान, ईच एंड एवरी थिंग यहाँ आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये है न्यू मार्केट। यहाँ का ऑटो, यहाँ पर ऑटो को बोला था CNG। ये देखिए पूरा ऐसा स्टील से ये पूरा टाइट किया गया है, इवन गेट में भी देखिए आप, ये पूरा ड्राइवर के तरफ से पूरा लॉक है, कोई आपका स्नैच कोई चोरी नहीं हो पाएगा। तो आप लोग पता, मैंने बताया था कि बांग्लादेश में पहले चोरी का कितना मामला होता है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं रोनी भाई के शॉप में, ये है हमारे रोनी भाई, ये इनका शॉप, और हम लोग खा रहे हैं यहाँ चॉकलेट केक और कोल्ड ड्रिंक, खा पी के मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली मैं स्टार आ गया हूँ, सेम क्राउड है गाइस। तो गाइस आज पूरा दिमाग का सर्कुलेशन हिला हुआ है, वो CNG की जर्नी सच बता रहा हूँ, 2 घंटे की हॉरिबल जर्नी, पूरा सर पकड़ लिया है। तो चलिए पहले कुछ खाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। गाइस मेरा आ गया फूड, ये है राइस दाल, ये है तवा दाल फ्राई, और ये है मटन का सब सैलेड। तो चलिए यही होने वाला ओवरऑल मेरा आज का डिनर, तो चलिए फटाफट इसे खा के आपसे मिलता हूँ, भूख बहुत ज़ोरों से लगी है। सो गाइस फर्स्ट क्लास खा के अब मेरा आ गया ये चाय, तो चलिए फटाफट चाय पीता हूँ, क्योंकि सुबह से सर दर्द दे रहा है, और इसका चाय पी के कुछ मिले या नहीं मिले रिलीफ बहुत मिलता है। तो चलिए फटाफट इसे पी के आपसे मिलता हूँ। वाह स्टार, सीरियसली मैं गाइस का चाय का कोई तोड़ नहीं है। तो चलिए चाय एंजॉय कर रहा हूँ, आप मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। आ गया है मेरा बिल, हम दो जने खाए हैं, देखिए ये 380 ऑलमोस्ट 400 रुपया हुआ है। तो गाइस फर्स्ट क्लास खा के मैं निकल गया हूँ, अब फटाफट मैं जाता हूँ रिक्शा पकड़ता हूँ, क्योंकि लेट भी बहुत हो गया है। तो चलिए अब मैं रिक्शा पकड़ के आपसे मिलता हूँ। सो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने इतना वीडियो देखा हो तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो कर दीजिए वीडियो को एक लाइक, और अगर इस फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज़ नीचे वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बन जाइए फैमिली का हिस्सा। और हाँ मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना भूलिए नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ आप लोगों के साथ। गाइस हैप्पी न्यू ईयर, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है, मैं ये वीडियो 1 तारीख को डालूँ, बट एडवांस में आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, अच्छे से खाए पिए, जो गलती 2021 में की हैं वो 2022 में ना करें, के लिए स्टे हेल्दी ईट हेल्दी, अपना ख्याल रखें, गॉड ब्लेस एंड बाय।